निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने का कार्य 1 अगस्त से शुरू किया गया है। इस विषय को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अपर कलेक्टर के द्वारा इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियां दी गई। 1 अगस्त से सभी मतदाताओं का आधार लिंक किए जाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। एक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आधार कार्ड लिंक किया जाना है। पंजीयन को लेकर अपर कलेक्टर दुर्ग ने मीडिया को कुछ इस तरह की जानकारी दी। मतदाताओं के आधार क्रमांक को एकत्रीकरण करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर और भारत निर्वाचन आयोग के प्राप्त निर्देशानुसार आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए जो प्रपत्र 6 होते हैं, संशोधन के लिए प्रपत्र 8 होते हैं और नाम में किसी भी प्रकार के नाम काटने की कार्रवाई के लिए प्रपत्र 7 होते हैं, तो इनमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और इसमें जो संशोधन किए गए हैं वो प्रपत्र के बारे में इनको आज अवगत कराया गया है। इसी पर से जो नए प्रपत्र पर कार्रवाई आज से आरंभ की जा रही है। नाम जोड़ने के लिए जो अर्हता तिथि पूर्व में 1 जनवरी एक ही दिवस को अर्हता घोषित था, उसको अभी 4 तिथियों में अर्हता तिथि कर दिया गया है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, इन 4 तिथियों में जो भी मतदाता जैसे जैसे अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता जाएगा वो मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ाने के लिए पात्र हो जाएगा और उनका प्रपत्र 6 भरने पर उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। प्रपत्र 6 में मात्र नए मतदाताओं का ही प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। उसके साथ प्रपत्र 6 ख है, उसमें मतदाता को अपने प्रमाणीकरण के लिए जानकारी देना होगा। जो मतदाता रहेंगे उनकी पहचान गोपनीय रखने के लिए जो भी नंबर उनके द्वारा दिया जाएगा, उन अगर 10 डिजिट का नंबर है तो उसमें से पहले के 6-7 डिजिट पर टेपिंग किया जाएगा और इस तरह से मतदाता की जो गोपनीयता है उसकी पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा।